आने के बाद आपको इस तरह से देखो देना, हाइट लोगे तभी आपकी जम जाएगी। लॉन्ग जंप बढ़ाना बहुत ही आसान है दोस्तों, आप थोड़ी सी टेक्निक और वर्कआउट के बाद आप आसान तरीके से लॉन्ग जंप बढ़ा सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं किरण गुल्ले पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप्स और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जो स्पोर्ट और फिटनेस से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें से रनवे कहते हैं, जहाँ पर हम रनिंग करके आते हैं, यहाँ पर रनवे देखो, जिसे हम दोस्तों अप्रोच भी कहते हैं, थोड़ा आगे जिसे आप दोस्तों अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप स्पीड से रनिंग करके आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इस तरह से हम टेकअप लगा रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ दोस्तों आप अच्छे से समझना तभी आपको समझ में आएगा आप, क्योंकि दोस्तों मेरे इस वीडियो के बाद आपके 100% दोस्तों आपकी लॉन्ग जंप इंप्रूव होगी। जब आप यहाँ से स्पीड से आ जाते हो रनिंग करके आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेकअप लेके हाइट पर जाना है। जब आप हाइट पर जाओगे तभी आपकी जंप बढ़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमें किस तरह से करना है हाइट लगाने है, किस तरह से कौन से एक्सरसाइज करने है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, आप अच्छे से समझना। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद जो आपका फॉल हो जाता है उसको कैसे चेक करो, इसकी वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, आप चैनल पर जाकर देखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से आप देख लो। तो दोस्तों टेकअप और हाइट लगाने के लिए हम कुछ जंपिंग ड्रिल्स करेंगे जिससे आपकी लॉन्ग जंप बढ़ेगी, और इस वर्कआउट को हमें हफ्ते में दो बार करना है जिससे दोस्तों आपकी लॉन्ग जंप 100% क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक स्टेप पर इस तरह से खड़े रहना है और यहाँ से आपको एक स्टेप लगा के जंप लगानी है। और ध्यान से देखना दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ हाइट को लगाना है, आपको आगे नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है कि आप ऊपर की तरफ कैसे जाए। जब आप इस तरह से ऊपर जाओगे तभी आपकी जंप इम्प्रूव होगी, ऐसे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। और ऐसे आप दोस्तों एक स्टेप पर 3 या 4 जंप लगाएंगे और दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको 100% जंप आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इस तरह से 2 स्टेप पर लगाएंगे, हमें 2 स्टेप पर, और आपको दोस्तों टेकऑफ नहीं देखना, आपको सिर्फ हाइट लगानी है, आपको सिर्फ इस तरह से दोस्तों आपको हाइट लगानी, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाना है जिससे आपकी जंप बढ़ेगी। उसके बाद हम दोस्तों 4 स्टेप पर टेकऑफ लगाएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ऊपर जाने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से दोस्तों आपको ऊपर जाना है जिससे आपकी जंप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसके बाद दोस्तों हम कुछ टेकऑफ और हाइट पर जाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपकी लेग में पावर भी आ जाएगी और आपको आपकी जंप भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हम हॉप लगेंगे, हॉप लगाते वक्त दोस्तों हमें नी को उठा के डालना है और हमें आगे उसी लेग पर जंप लगाना है। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको 100% आ जाएगा और आपकी जंप भी इम्प्रूव होगी, इससे दोस्तों आपके लेग में बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगी। और दोस्तों आपको एक करना ही है, अगर आप यही करोगे तभी आपकी जंप बढ़ेगी दोस्तों, और ऐसे दोस्तों आपको दोनों पैरों पर करना है, सेम दोस्तों आपको इस तरह से दोनों पैरों पर एक लेग का हम 3-3 सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हम बाउंडिंग करेंगे, हमें बाउंडिंग करना है, आपको नी को उठा के आगे की तरफ स्टेप लगानी है, इस तरह से आपको स्टेप लगाकर जंप लगानी है। और अगर आप बिल्कुल दोस्तों नए हो तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको आ जाएगा, ऐसे आपको दोनों पैरों पर करना है, इस तरह से आपको नी को उठा के स्टेप लगाकर जंप लगानी है। इस एक्सरसाइज से आपकी 100% जंप भी होगी और आपका टेकऑफ भी जाएगा और आप हाइट पर जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टेक ऑफ कैसे ले, हाइट कैसे ले अच्छे से समझा होगा आपने। और दोस्तों तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में आए, तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से आंसर दूंगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम लैंडिंग के बारे में देखेंगे, लैंडिंग हमें किस तरह से करना है, आप जब लैंडिंग करते हो तो आपका हाथ या पैर पीछे रहता है, आपका जो सीट पीछे रहता है, तो उसको कैसे क्लियर करें, आपको किस तरह से लैंडिंग करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।